लेकिन भैया महान पुरुषों का संग मिलना बड़ा मुश्किल है, उनकी कृपा मिलना थोड़ा सा दुर्लभ है। दुर्लभ हो महत संगस्तु दुर्लभ हो अगम्यो अमोघश्च, नारद भक्ति दर्शन। देवहूति ने अपने पुत्र से ज्ञान को ग्रहण किया गुरु बना करके और अपना कल्याण किया है। पता है देवहूति के एक कन्या भी ऐसी हुई थी जिसने जगत जननी को उपदेश किया। बेटे ने तो अपनी मां को उपदेश किया, लेकिन उसी की एक बेटी ऐसी हुई देवहूति की जिसने जगत जननी सीता जी को उपदेश किया, जिसका नाम था अनसुईया। क्या? अनसुईया। सीता जी को उपदेश किया था ना, उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जगनाही। जगत जननी लक्ष्मी जी को सीता जी को उपदेश किया अनसुईया ने, और तो और तीनों देवों को अपने आंगन में बच्चा बना करके खिला दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और तो और उनके पति थे ना अत्रि ऋषि, वो तपस्या करके जब उठे और उन्हें पानी की प्यास लगी और अनसुईया से बोले कि मुझे पानी चाहिए, चित्रकूट के पास की बात है, वहां अत्रि ऋषि तपस्या करते थे, ये उनकी सेवा करती थी। तपस्या से जगह पानी मांगा तो दूर दूर तक कहीं पानी न दिखे, अब कहां ढूंढूं। तो इन्होंने कहा कि अरे गंगा मैया, यदि मेरे पतिव्रत धर्म में कोई कमी न हो तो आप यहीं पर मेरी खातिर प्रकट हो जाओ। और वहीं गंगा जी प्रकट हो गई चित्रकूट पे, नाम पड़ गया मंदाकिनी। क्या? मंदाकिनी। सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोत कड़ाकिनी। आई कहां से? अत्रि प्रिया निज तप बलदानी। अत्रि ने, अत्रि की प्रिया ने, अनसुईया ने अपने तप के बल पर उसे वहां प्रकट कर दिया। अत्रि प्रिया निज तप बलानी, अपने तप के बल पर उन्होंने उसे प्रकट कर दिया। एक इसका दूसरा भाव है बड़ा प्यारा, अत्रि माने न त्रि इति अत्रि, जिसमें तीन नहीं है। तीन क्या? तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों से जो ऊपर उठ गया है। और रामायण में कहा है कहिय तात सोई परम विरागी तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी। और ऐसे अत्रि की जो सेवा करती है, जो सेविका है, यानी अत्रि ऐसा जीव है जिसके अंदर तीन गुणों से जो ऊपर उठ गया है,
और ऐसे जीव की जो बुद्धि है अनसुईया, सुईया माने होता है दोष दर्शन, सुईया माने दोष दर्शन, और अनसुईया माने जो दोष दर्शन करना जानती ही नहीं है, केवल संसार में गुण दर्शन करती है, सब में गुण ही गुण देखती है, बुराई किसी में देखती ही नहीं है। ऐसी बुद्धि जिस अत्री की हो जाएगी, जिस जीव की हो जाएगी, वह बुद्धि जहां चाहेगी ना वहां मंदाकिनी प्रकट कर देगी। मंदाकिनी क्या है आप समझिए। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। ये राम कथा ही तो मंदाकिनी है, और ये हृदय से और बुद्धि से प्रकट होती है साहब, हृदय से और मति से प्रकट होती है। लेकिन हृदय और बुद्धि कैसे होने चाहिए? अनुसुईया न सुईया न दोष दृष्टि इति अनुसुईया, जिसमें दोष दृष्टि नहीं है, जो किसी में बुराई देखता ही नहीं है, है? सब भले हैं, सब अच्छे हैं, ऐसा जिसका भाव हो गया है उसकी बुद्धि से, उसके हृदय से ये कथा जब निकलती है ना, तो सब जीवों का कल्याण कर देती है, चित्रकूट बना देती है, हैं? चाहे वो बाद बामनी हो, हैं? चाहे वो कोई और गांव हो। कथा हृदय से फूटे और ऐसी मति से फूटे जिसमें दोष दर्शन है ही नहीं। तो नौकन्याओं में एक अनुसुईया हुई है।